हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग बीइंग आर्ट किड। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप पेंसिल मेजरमेंट से बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बना सकते हैं। मतलब आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप लोगों की ड्राइंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मतलब इसमें आप लोगों को पेंसिल मेजरमेंट्स लेनी होगी, प्रिंट आउट निकालिए और उसके बाद उससे आपको पेंसिल से मेजर करके पॉइंट्स मार्क करके बनानी पड़ेगी ड्राइंग। पूरी ड्राइंग मैं ऐसे ही बनाऊंगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं मैंने, सिर्फ मैंने पेंसिल मेजरमेंट्स लिए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ़ोन से बनाने के लिए। तो आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा कि दो पैरेलल लाइंस बनाई, वो जो लाइंस हैं वो आपको बस एक पॉइंट पे कनेक्ट करनी है, जो होगा आपका मिडल का सेंटर, जो नोज़ और आइज़ के बीच में आ रहा है, और आपको वहीं से अपने ड्राइंग की बेस बनाना है। जब आप पेंसिल मेजरमेंट से बनाते हैं तो आपको बेस ज़रूरी बनाना होता है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले अपने मेजरमेंट्स को इम्प्रूव करना है। आप लोगों को पेंसिल को रखना है और उसके बाद उससे मेजरमेंट्स बनानी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, पर आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने पेंसिल मेजरमेंट से ही बनाया है, आपको इसमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होगी। आपको पेंसिल को प्रिंट आउट पर रख के मार्क करना पड़ेगा कि आपका इतना डिस्टेंस है, और उस आई से आई का डिस्टेंस, नोज से उसकी हाइट का डिस्टेंस, और बहुत सारी चीज़ों को मेजर करके ही आपको एक एक चीज़ को एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा। और ये मैं मेरे सिखाने से नहीं होगा, ये आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ही इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप लोगों को अगर उसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अभी आप देख रहे हो कि मैंने कैसे ही पेंसिल मेजरमेंट से बना के आपके सामने मैंने पेंसिल मेजरमेंट को पूरा अप्लाई करके वो मेथड को बना दिया है इसमें। और अब मैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मेरी इसमें, उन सब को शेडिंग से इम्प्रूव करूँगा। मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि आपको ट्राई करना है, पहली बारी में शायद आपसे अच्छा ना बने, पर दूसरी बारी में आपसे अच्छा ज़रूर बनेगा थोड़ा सा, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको शेडिंग से ही अपने उसको ड्राइंग को ठीक करना है बाद में। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप शेडिंग करिए, और शेडिंग करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। ये जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपके सामने पूरा करके दिखाया है। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो को स्लो स्पीड में करके देखना है तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से उसको मेजर करा है। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो मैंने हेयर्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हो, पहले मैंने लाइंस बनाई हैं और उसके ऊपर शेडिंग करी है। तो ये मेथड होता है आइडेंटिंग मेथड। ये इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ, एक स्पेसिफिक वीडियो ट्यूटोरियल है वो, और आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने शेडिंग से ही उसको कितना इम्प्रूव कर लिया और पेंसिल मेजरमेंट से उसको इतना बढ़िया बना दिया है। आप लोगों को भी यही सब फॉलो करना है, और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत सोचना कि आपसे ये गलती हो रही है या वो गलती हो रही है। और मैं इसके लिए एक अलग से एपिसोड सीरीज लाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहना कि हाउ टू शेड फेस, हाउ टू मेक हेयर्स, एंड हाउ टू मेक अ परफेक्ट रियलिस्टिक ड्राइंग। गाइज, अब हमने दे दिया अपना सिग्नेचर बीइंग आर्ट किड का। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो इस चैनल पर।